उस बात से मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक इंसानियत की जो लड़ाई है उस इंसानियत की लड़ाई को हम पूरे देश के लोग जो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको मिले, और इसको इलीगल ट्रेसपासर्स को जेल हो तो पूरी दुनिया की इच्छा, पूरी दुनिया के लोगों की इच्छा यही है, तो हम पूरी दुनिया के लोगों की इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। जो लोग हम पे विश्वास करते हैं हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, और ना ही हम इस पर इसको जो है केस को इस प्रकार करेंगे कि आपको नीचा देखना पड़े या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या आप हमसे निराश या उदास हों। हम आपको आपकी अपेक्षाओं पर 101% खड़े उतरे हैं, खड़े उतर रहे हैं और खड़े उतरेंगे, और जो हमने आपको कहा है उसको हम पूरा हर हाल में करके रहेंगे। इसको पहुँचाएंगे जेल और उसकी पूरी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं जी इतने दिन हो गए क्यों नहीं ये जेल गई, तो एक वकील का काम कानूनी कार्रवाई करना है। जब पुलिस ही इसको ऐसे ट्रीट करी है जैसे उनकी खुद की कोई मेहमान आ गई हो, कोई उनकी बुआ आ गई हो, कोई उनकी मौसी आ गई हो या कोई उनकी रिश्तेदार आ गई हो, कुछ भी एक्शन लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। तो जल्दी हम उत्तर प्रदेश पुलिस से भी, वो 15 या 20 दिन का हमने टाइम दिया है, वो टाइम जैसे पूरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से हम ये मामला लेकर के हरियाणा में भी लेके आ रहे हैं, और इधर चंडीगढ़ पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई तेज़ी से कर दी है, और ये जो है इसमें कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आएगा और इसको कराएंगे जेल। तो ये ट्रांसफ़र बहुत से कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल आपने नहीं डाली, तो कैंसलेशन बेल हमने इसलिए रोक रखी है कि अब हम यूपी में कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं चाहते कि हम लीगल एक्शन करें। हम चाहते हैं कि हम यूपी से इस केस को ट्रांसफ़र करके हरियाणा में लाएं, और अगले जो भी लीगल एक्शन उस केस से संबंधित हों वो हम फरीदाबाद में ही करें, वहाँ पोस्को वहाँ पर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। अब जो तारीख अभी एक दो दिन पहले जो तारीख थी पोस्को की, उसकी भी मैं आपको बताता चलूँ उसमें क्या हुआ है। उसमें हमने तमाम सबूत, जो धर्म परिवर्तन किया गया वो सबूत, जो इनके बच्चों के नाम परिवर्तन किए गए वो सबूत, सरकार की कोई परमिशन नहीं ली वो सबूत, इनका ज़बरदस्ती ब्रेन वॉश करके बच्चों का जो है वो धर्म परिवर्तन किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनके नाम चेंज किए गए, और उनके साथ जो हरकतें हुई उन तमाम चीज़ों के सबूत हमने माननीय अदालत में दिए हैं। और क्योंकि माननीय अदालत पे बहुत सारे केसेस हैं तो लंबी डेट लगी है, मेरे ख्याल से 2025 की लगी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, हम जल्दी ही एप्लीकेशन लगा करके उस डेट को छोटी करा देंगे और उस डेट को 11वें महीने में नवंबर या दिसंबर में फिक्स करा देंगे, और उसके बाद उसके अंदर अब पुलिस वालों के उसमें मैन गवाही हो चुकी है, अब उसके अंदर DCP की गवाही होनी है, ACP की गवाही होनी है, SSOs की गवाही होनी है, तमाम उन मुतालिक उन लोगों की जो कंसर्न लोग हैं, जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की गवाही उसके अंदर होगी, और वो एक मजबूत हमारा केस बनाया है फरीदाबाद के अंदर भी और इधर चंडीगढ़ से, और उधर यूपी पुलिस से हम वो केस यहाँ हरियाणा में लेके आ रहे हैं। तो हमने अपनी कानूनी पकड़ को, ऐसा नहीं है कि अगर हम लाइव नहीं आते तो हम कुछ नहीं करें, हम चुप हैं तो हमारी कानूनी कलम जो है वो चुप है, नहीं, हमारी कानूनी कलम जो है वो लगातार अपना काम कर रही है, हम लाइव आए या ना आए, लेकिन हम अपना कानूनी काम बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद इसको जेल कराना है तो हम इसको जेल करा के रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इसको जेल जाने से नहीं रोक पाएगी जो हमने अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई की हुई है। और रही बात बच्चों की, 101% ये कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, कितने भी ढोल बजवा ले, जो मर्जी कर ले, ये बच्चे गुलाम हैदर को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे गुलाम हैदर भारत में आएगा सबसे पहले बच्चों की मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद अगली कार्रवाई जो है इसके मामले में की जाएगी। उसके अलावा और बहुत सही कार्रवाई बच्चों के हवाले से हमने कर रखी है, जिस पे काम चल रहा है, वो कार्रवाई मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बल्कि दुनिया के सारे TV चैनल आपको इन्फॉर्मेशन दोगे और आप सब फ़ोन करके मुझे पूछोगे और बताओगे मोमिन मलिक सर TV में ये खबर चल रही है क्या ये सच है, तो वो जानकारी तुम्हें TV और चैनल के माध्यम से मिलेगी, बच्चों के हवाले से मेरे से नहीं मिलेगी। उसमें भी हम कानूनी कार्रवाई में बहुत आगे स्टेप ले चुके हैं और उसको अंजाम दे रहे हैं।
और वो होके रहेगा एक दिन, और कोई इसको नागरिकता का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत से लोग कहते हैं जी ये प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाएगा फिर तो ये यहीं रहेगी। मैं कहता हूँ चाहे एक की जगह 10 बच्चे पैदा कर ले, 15 बच्चे पैदा कर ले, उस बात से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।